सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल टेस्ट द फ्लेवर को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और ये बिल्कुल फ्री है जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं मंजरी और मेरे चैनल टेस्ट द फ्लेवर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहां पर मैं आज आपको चार तरह की आइसक्रीम जमाना बताऊंगी। ये आइसक्रीम मैंने एक ही बेस से जमाया है, इसमें मैंने किसी एसेंस या किसी एक्स्ट्रा पाउडर का इस्तेमाल यहां पर नहीं किया है। ये खाने में आइसक्रीम ये बहुत टेस्टी लगती हैं, तो चलिए देख लेते हैं इस आइसक्रीम को कैसे बनाना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आइसक्रीम का बेस बनाने के लिए यहाँ पर अमूल की फ्रेश क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। ये लो फैट क्रीम होती है और ये 250 ml का यहाँ पे मैंने पैक लिया है। ये मार्केट में बहुत ईजिली आपको मिल जाएगी। और दूसरा मैं यहाँ पे मिल्क मेड का यूज़ करूँगी। तो चलिए सबसे पहले आइसक्रीम का बेस तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बर्तन में ये फ्रेश क्रीम निकाल ले रही हूँ इसको बीट करने के लिए। यहाँ पर क्रीम में अब मैं मिल्क मेड ऐड कर दूंगी। ये दोस्तों 250 ml क्रीम मैंने एक बर्तन में निकाल लिया और इसमें एक बाउल करीब मिल्क मेड ऐड कर रही हूँ। आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं मिल्क मेड की क्वांटिटी, और कम मीठा खाते हैं तो इसको कम भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिस बर्तन में मैंने क्रीम और मिल्क मेड दोनों ऐड किया है, वहाँ आप नीचे देख सकते हैं मैंने कुछ आइस क्यूब्स रखी हुई हैं, बर्फ़ रखा है मैंने, क्योंकि क्रीम बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। जितनी ठंडी रहेगी क्रीम उतने अच्छे से यहाँ बीट होगी। तो आप कभी भी ऐसा करिए तो आप नीचे बर्तन में ये बर्फ़ रख लीजिए और ऊपर ऐसा कुछ बर्तन रख के तब बीट करिए, तो क्रीम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बीट हो जाती है। तो चलिए इसे हम बीट कर लेते हैं। दोस्तों क्रीम को एकदम बीट करके मैंने रेडी कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, जितनी क्वांटिटी ली थी मैंने उससे ये डबल हो गई है। इसको ज़्यादा बीट करने में मक्खन निकल जाएगा क्रीम से, तो आपको ज़्यादा बीट नहीं करनी है। चलिए इसको हम एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख देंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको चार तरह की आइसक्रीम बनाना बताऊंगी। तो पहले यहाँ पर हम अंजीर की आइसक्रीम बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे चार अंजीर को गर्म दूध में सोख करके रख दिया था। अगर आप इसे गर्म दूध में सोख करना नहीं चाहते तो थोड़े से पतीले में आप दूध ले लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए और अंजीर को उसमें डाल के थोड़ी देर से पका लीजिए। तो ये अच्छे से क्या है, मुलायम हो जाएगी, जिससे ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी, अच्छे से मिक्सर में पिस जाएगी। और दूसरा यहाँ पर मैंने ओरियो बिस्किट लिया है जिसे अच्छे से क्रश कर लिया है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ टैंग। दोस्तों टैंग या रसना इस समय समर्स में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो उसका पाउडर मैंने लिया है। ये मैं आइसक्रीम में ऐड करूँगी टैंगी आइसक्रीम बनाने के लिए। और ये फोर्थ नंबर पे मैंने यहाँ पे लिया है कुछ कटे हुए आम के पीस लिए हैं मैंने। इसमें से आधे पीस मैं ऐसे डालूँगी और आधों को मैं प्यूरी में कन्वर्ट कर लूँगी, आधे की मैं प्यूरी बना लूँगी। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे 1-1.5 घंटे के बाद फ्रीज़र से निकाल लिया है। ये थोड़ा सा सेट हो गया है, अब इसमें हम इस और फ्लेवर्स ऐड कर देंगे। दोस्तों इसको पूरी अच्छी तरह से नहीं जमने के लिए छोड़ना है, नहीं तो जो भी हम इसमें फ्लेवर्स ऐड करेंगे उसका अच्छे से इसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो जब ये आधा सेट हो जाए तो हम इसमें अपने आइसक्रीम के फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों जो मैंगो के पीसेस लिए थे उसके कुछ मैंगो की मैंने प्यूरी बना ली है, कुछ को ऐसे पीस ही रहने दिया है। तो चलिए हम सबसे पहले मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे। पर दोस्तों मैंने ये मैंगो आइसक्रीम के लिए एयर टाइट कंटेनर ले लिया है। इसमें हम थोड़ी सी आइसक्रीम का जो बेस है वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों थोड़ी सी ये आइसक्रीम का बेस जो है हमारा सेट हो गया है। इसी इतने में ही हम अपने सारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स को अच्छे से ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं ये मैंगो के पीस और मैंगो प्यूरी ऐड कर दूंगी। इसे हम दोस्तों अच्छे से मिक्स कर देंगे अपनी मैंगो प्यूरी और मैंगो पीसेस को। और दोस्तों हम इसे पैक कर देंगे। आपको सारी आइसक्रीम दोस्तों इस तरह की एयरटाइट कंटेनर में ही आपको रखना है। जो भी आपके पास एयरटाइट कंटेनर हो उसमें आप इसको अच्छे से रख सकते हैं। तो चलिए आप बनाते हैं हम ओरियो आइसक्रीम। ओरियो के लिए भी दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा अपने आइसक्रीम का बेस ले लेंगे।
और इस बेस में हम ओरियो जो हमने क्रश करके रखा है उसको हम मिक्स कर देंगे। अब इसको अच्छे से हम अपने बेस में मिक्स कर देंगे। दोस्तों ये तो ओरियो फ्लेवर की आइसक्रीम बनेगी। अगर आपको प्लेन चॉकलेट की आइसक्रीम खानी है और आप चोको पाउडर या चॉकलेट पाउडर नहीं ऐड करना चाहते तो आपको मार्केट में 10-20 रुपए की जो भी डेयरी मिल्क 5-स्टार मिले आप उसको ऐसे क्रश करके रख लीजिए या ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए और इसी आइसक्रीम बेस में उसको मिला दीजिए तो आपकी प्लेन चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। तो ये दोस्तों यहाँ पर ओरियो फ्लेवर की हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई। इसे भी हम बंद करके अच्छे से जमने के लिए फ्रीज़र में छोड़ देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों टेंगी आइसक्रीम बनाना है, उसके लिए भी हम थोड़ा सा इसमें बेस ले लेंगे आइसक्रीम का। टेंग की जगह दोस्तों आप रसना भी ऐड कर सकते हैं, इसमें ऑरेंज फ्लेवर, नींबू फ्लेवर जो भी आपको मिल जाए आप इसमें ऐड कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगती है इसकी आइसक्रीम और जमाने में बहुत आसान है। और यहाँ पर जो हमने टैंग का पाउडर लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अंजीर की आइसक्रीम के लिए दोस्तों जो हमारा लास्ट में बेस बचा हुआ है उसमें अंजीर डाल के मिक्स कर देंगे। अंजीर के साथ यहाँ पे आप कुछ नट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ काजू डाल सकते हैं आप, यहाँ पर बादाम डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो इसमें डाल सकते हैं। और सिर्फ अंजीर बस डालने से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब इसको भी हम बंद कर देते हैं और फ्रीज़र में थोड़ा सा जमने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे झटपट हमारी ये आइसक्रीम तैयार हो गई है। अभी इसे मैं जमने के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। हमारी अंजीर की आइसक्रीम है, ये टैंगी है, टैंग वाले का कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, और ये ओरियो की आइसक्रीम है और यहाँ पर ये मैंगो की आइसक्रीम है। दोस्तों आप इस आइसक्रीम बेस से बहुत आसानी से ढेर सारी आइसक्रीम बना सकते हैं, चॉकलेट फ्लेवर की भी बना सकते हैं। बस आप इस तरह की आइसक्रीम बेस को बना के अपने फ्रीज़र में रख के रखिए, जैसे ही कोई आपके यहाँ गेस्ट आए, मेहमान आए, आप उस बेस में कोई भी फ्लेवर्स या कोई भी फ्रूट्स वगैरह ऐड करके तुरंत आइसक्रीम रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने घर पे इस तरह आइसक्रीम बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।